प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई मेरा पानी मेरी विरासत सरकार के लिए परेशानी का सबब बनती जा रही है। पहले जहां किसान इसका विरोध कर रहे थे, वहीं अब विपक्षी दल कांग्रेस भी खुलकर सामने आ गया है। योजना के विरोध में प्रदेश कांग्रेस के शीर्ष नेता चिलचिलाती गर्मी में सड़कों पर उतर गए। कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा और भारतीय कांग्रेस कमेटी के मीडिया प्रभारी रणदीप सिंह सुरजेवाला फतेहाबाद पहुंचे और करीब एक घंटे का सांकेतिक धरना दिया। धरने में इलाके के बहुत से कांग्रेस नेता नदारद नजर आए। कांग्रेस नेताओं ने सरकार को इस फैसले पर घेरते हुए कहा कि सरकार किसान विरोधी फैसला ले रही है। रणदीप सिंह सुरजेवाला ने मेरा पानी मेरी विरासत योजना को काला कानून करार देते हुए कहा कि जब तक सरकार इसे वापस नहीं लेगी, तब तक वे किसानों के हितों के लिए लड़ाई लड़ते रहेंगे। तो ये मुद्दा है धान की खेती का, जिस पर ये रोक लगा रहे 8 ब्लॉक्स पर कि बिल्कुल आप धान की खेती नहीं कर सकते, उनमें हमारा ये भी एरिया है। यहाँ के किसानों ने बड़ी हिम्मत दिखाई, रतिया के किसानों ने खुद अपने आप सड़क पर आए, अपने मुद्दे को उन्होंने उठाया और लोगों के बीच में लेकर गए। सरकार के पास उन्होंने मेमोरेंडम दिया, लेकिन हमें लगता नहीं कि इसकी सरकार के कान पे जूं तक रेंगेगी। और इनके तालमेल का भी आपको मालूम है कि एक मंत्री आकर क्या बोल देते हैं और ऑर्डर कुछ और है। ऑर्डर नेतृत्व में कांग्रेस के लोग धान बंदी की नादरशाही जो चौटाला सरकार कर रही है, उसके विरुद्ध हम सब यहाँ उपस्थित हैं। हजारों हजारों कांग्रेस के कार्यकर्ता यहाँ नहीं है, हजारों हजारों किसान आज यहाँ नहीं है। ये सांकेतिक धरना है क्योंकि लॉकडाउन के चलते आप बहुत सारे लोगों को नहीं बुला सकते। महत्वपूर्ण विषय ये है कि रतिया में, जैसा शैलजा जी ने बताया, 101,000 एकड़ पर अब आप खेती नहीं कर सकते धान की। 75,000 एकड़ में सरसा ब्लॉक के अंदर धान की खेती नहीं हो सकती। 1,39,000 एकड़ में कैथल में सीवन और गूला चीका में नहीं हो सकती। 1,40,000 एकड़ में धान की खेती पर बबैन, इस्माइलाबाद, पीपली इत्यादि इलाकों के अंदर बैन लगा दिया है। खट्टर साहब, दुष्यंत चौटाला जी, पीपली से लेकर सरसा तक अगर किसान धान की खेती कर ही नहीं सकता तो किसान रोजी रोटी खाएगा कैसे?